एक निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने चिंताहरण हनुमान मंदिर की पहाड़ियों में छायादार व फुलवारी के 121 पौधों का रोपण किया। राजावन वन महोत्सव से जुड़े दिनेश प्रधान ने बताया कि कस्बे के माचाड़ी मार्ग स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर व छारिन धाम के बीच की पहाड़ी पर राजावन में 1100 पौधों के रोपण का लक्ष्य लिया गया है, जिसमें आज मंगलवार को एक निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा पहाड़ी पर 121 पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें छायादार व फुलवारी वाले पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पौधों की देखरेख की सभी ने जिम्मेदारी ली है, एक एक पेड़ को बच्चों की तरह पालेंगे और उनकी रक्षा भी करेंगे। इस वर्ष की गर्मी ने हमें एहसास करा दिया है कि हमें पेड़ों की कितनी महत्व आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य है कि हरा भरा राजस्थान करेंगे। आज जो 2000 साल पुराना हमारे क्षेत्र का एक ऐतिहासिक वन्य क्षेत्र है राजावन, उसमें चिंतारण हनुमान जी के मंदिर से लेकर और छारिन हनुमान जी के मंदिर तक हमारा एक 45 दिन का पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और इसमें हम 108 बड़े पेड़ और 900 पौधों का रोपण करेंगे, जिसमें पेड़ों में हमने पीपल के, नीम के, बड़ के, युद्ध की गाड़ के 7 पेड़ लगा रहे हैं और उन पेड़ों का खाली रोपण ही नहीं है, उनका नियमित देखरेख पालन पोषण करना है। और आज निजी स्कूल के बच्चों के द्वारा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिसमें 121 पौधों का रोपण किया जा रहा है और इससे स्कूल के द्वारा 4 बड़ के पेड़, 4 बड़े पीपल के पेड़ और 4 गुलमोहर के बड़े 15-15 फुट पेड़ों को लगाया जा रहा है। सभी तरह के पेड़ों को हम यहाँ लगाकर इस भूमि को हरी भरी करेंगे और जो हमारी सरकार के इस वर्ष के उद्देश्य है कि हरा भरा राजस्थान हो, हरियाली हो, उसके उद्देश्य से एक हम पावन संकल्प के साथ ये कार्य कर रहे हैं।